वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे मोबाइल का स्क्रीन पर देखिए कि 20 आर्कल और यहाँ पे मुझे अप्रूव हुआ है। मात्र 3 स्टेप में मुझे ये लोन जो है दिया जा रहा है, एक लिमिट है, ठीक है ना। और टर्नर टाइम भी दे सकते हैं, मिनिमम 3 महीने मैक्सिमम 6 महीने के लिए मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। इजिली बैंक में ट्रांसफर भी कर सकता हूँ। और इस न्यू लोन ऐप की खास बात क्या है कि भैया आपको यहाँ पे कोई भी सिविल की जरूरत नहीं है। सिविल अगर आपका 300 400 और माइनस में तो भी आपको लोन मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको कोई ब्याज भी नहीं लगने वाला है, 0% ब्याज पे आपको लोन मिल जाएगा, कोई ब्याज भी नहीं देना है। अब दोस्तों बात करें इसके डाउनलोड की, डाउनलोड 10,000 है, 4.2 की रेटिंग है और ये इसी 23 फरवरी 2024 को लॉन्च हुई है। बहुत से लोगों का रोना होता है कि मेरे पास इनकम प्रूफ नहीं है, मैं कोई बिजनेस नहीं करता हूं, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड है। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड भी नहीं है तो भी आपको यहां पे लोन मिल जाएगा बिना केवाईसी के। नो केवाईसी मतलब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है और आपको यहां पे लोन मिल जाएगा इस तरह से 20,000 का। अब मैं बता दूं कि ये ऐप है कौन सी, मैं ऐप तो बताऊंगा ही लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूं कि भैया इसकी एनबीएफसी क्या है। एनबीएफसी सुन के आपको बहुत ज्यादा इस पे यकीन होगा कि वाकई में यार एकदम ये रियल ऐप है। मैं बात कर रहा हूं टाटा कैपिटल। जी हाँ दोस्तों, ये जो भी न्यू ऐप है मैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, ये जो 20,000 का लोन इस तरह से जो मुझे मिला है भैया, इसकी एनबीएफसी है टाटा कैपिटल। आप स्क्रीनशॉट चेक कर पा रहे होंगे, टाटा कैपिटल की वेबसाइट पे मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है कि यहाँ पे एक लोन ऐप का नाम है लोन फॉर यू करके, चेक कर सकते हो टाटा कैपिटल की वेबसाइट पर ही ना ये जो लोन फॉर यू, तो ऐप का नाम यही है लोन फॉर यू। आप यहाँ चेक कर सकते हो पूरा स्क्रीनशॉट प्ले स्टोर पे, इस तरह से ऐप का नाम है, ठीक है। और ये एनबीएफसी की टाटा कैपिटल, यकीन हो गया, ठीक है। अब मैं आपको और क्लियर करूंगा कैसे अप्लाई करना है, कितना लोन मिलेगा, आखिर बिना आधार बिना पैन के लोन कैसे मिल जाएगा, टाटा कैपिटल ऐसे कैसे लोन दे सकता है, यही चीज क्लियर करने वाला हूं क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। यही दुविधा आज मैं आपकी इस वीडियो में पूरी क्लियर कर दूंगा कि लोन फॉर यू ऐप की तरफ से आपको ये 20,000 का या 40,000 का लोन लेना चाहते हैं बिना केवाईसी के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के कैसे मिल जाएगा, चलिए इसी बात को हम जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, स्क्रीन पर क्लिक करोगे @vinayalalji0, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का डायरेक्टली प्रोवाइड करता हूं, उस पर डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, हर बार यूट्यूब पे नहीं बोल सकता हूं। तो चलिए दोस्तों सीधे मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और समझाता हूं इस न्यू लोन ऐप के बारे में कि आखिर कैसे आपको बिना आधार बिना पैन यानी बिना केवाईसी के आपको लोन मिल जाएगा 20,000 का। यहां पे देखिए दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैं इस ऐप की बात कर रहा हूं लोन फॉर यू पर्सनल लोन, ठीक है। यहाँ पे मैं उसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा वीडियो देख लेना इंस्टॉल करने से पहले, कैसे इंस्टॉल करना है उसका भी तरीका है समझ लेना, फिर आप बुरी तरह फंस जाओ। 10,000 प्लस डाउनलोड से 4.2 की रेटिंग है, ठीक है। अबाउट दिस ऐप में जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे लोन अमाउंट जो है मिनिमम 10,000 है, मैक्सिमम 70,000 का आपको लोन मिल जाएगा। रिपेमेंट ड्यूरेशन टाइम की बात करें आपको 91 डेज और मैक्सिमम जो है 1 साल का आपको टाइम दे दिया जाता है। टर्नर टाइम की बात कर रहा हूँ। APR की बात कर ले मिनिमम 16% है और मैक्सिमम 20% है, एकदम न्यू लोन ऐप है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की 50,000 का लोन अगर आप लेते हैं तो चेक कर लीजिए प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है 0 है, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल जो रिपेमेंट करना है वो 60,000 करना है अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो। लेकिन ये यहाँ पे अपडेट दी हो, लेकिन अभी कुछ खास ऐसे ऑफर चल रहे हैं जिसमें आपको कोई भी आधार कार्ड कोई भी पैन कार्ड नहीं देना है और आपको 0% ब्याज 0 सिविल पे 0% फीस पे आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लोन फॉर यू पर्सनल लोन है, इस तरह से पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप नीचे आएंगे तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे इसकी एनबीएफसी का जो नाम है वो टाटा कैपिटल फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड दिया हुआ है, वेबसाइट भी दी हुई है। तो चलिए इसके एक बार हम वेबसाइट को ओपन करके दिखा देते हैं कि भैया ये जो वेबसाइट दी है टाटा कैपिटल, उस वेबसाइट में इस लोन फॉर यू का नाम दिया है कि नहीं दिया। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखिए इस तरह से यहाँ पे देखिए आवर पार्टनर्स जो जो एप्स इस एनबीएफसी के साथ काम कर रही है उनका यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, ना भी है बेसिक है, यहाँ पे देखिए लैंड लॉर्ड है, यानी क्या क्या एस्पेक्ट्री है, लोन्स फॉर यू, ठीक है। यकीन होगा यहाँ पे लिख के आ रहा है लोन्स फॉर यू ऑलमोस्ट द टॉप ऑनलाइन नेचुरल मार्केटप्लेस स्टैंड कॉम लोन फॉर कंपेयरिंग मल्टी बैंक, ठीक है। टाटा कैपिटल की वेबसाइट ऊपर लिख के आ रही है, यकीन हो गया। चलिए हम दोबारा चलते हैं। तो ये तो क्लियर है कि भाई ये जो लोन्स फॉर यू है ना ये टाटा कैपिटल का ही प्रोडक्ट एक तरह से, या इसकी जो एनबीएफसी टाटा कैपिटल है, ठीक है। नीचे आएंगे आपको इजीली यहाँ पे आधार कार्ड देना है पैन कार्ड देना है आपको लोन मिल जाएगा 100% पेपरलेस है। और देखिए यहाँ पे जो इनका कॉन्टेक्ट है ना जो मेल आईडी है वो loansyou.com दिया हुआ है, मतलब खुद के डोमेन से है, कहीं ना कहीं इसका एड्रेस भी दिया हुआ है। और आप ये चेक कर लीजिए कि 7 मार्च 2024 को लास्ट अपडेट आया है, उसको अपडेट किया गया और 23 फरवरी 2024 को ये प्ले स्टोर पे रिलीज की गई है, ठीक है। सब कुछ ओके, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हो कि बहुत बढ़िया ऐप है, अब ये बताइए कि बिना आधार बिना पैन के लोन कैसे मिलेगा।
चलिए अब मैं आपका ये भी सारा जो शक है ना, ये भी डाउट क्लियर कर देता हूँ। जो आप सोच रहे हो, आप इसलिए देख रहे हो ना ये वीडियो की बिना आधार बिना पैन कार्ड मिलेगा मिलेगा कैसे मिलेगा। अब देखिए इस ऐप का नाम क्या है, लोन्स फॉर यू पर्सनल लोन, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, सब कुछ ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ ओके है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई। देखिए ये टाटा कैपिटल की जो वेबसाइट यहाँ पे दी है कि ये ऐप बोलती है कि हमारी जो एनबीएफसी जो पार्टनर है वो ये टाटा कैपिटल वाले है, ठीक है। अब टाटा कैपिटल का नाम इतना है कि आपको देखने की जरूरत नहीं है, टाटा कैपिटल सुनते ही मतलब आदमी लोन के लिए अप्लाई कर देगा क्योंकि एकदम ब्रांड है, अपने आप में एकदम विश्वास कर सकते हो। चलिए इसकी वेबसाइट को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हमें उन कंपनियों के नाम आ गए हैं जो कंपनियां इसके साथ काम करती है, इस एनबीएफसी के साथ काम करती है, जैसे बोल्ट मनी हो गई, नावी हो गई, बेसिक हो गई, और ये विश्विन हो गई, लोन्स राइड हो गई, स्विच माई लोन डॉट इन हो गई, और ये स्पोक्ट्री हो गई, और ये लोन्स फॉर यू ये भी है ना। आप ये देखोगे, आप भी देखोगे जैसे मैं दिखा लूँ कि हाँ यार टाटा कैपिटल की वेबसाइट पे लोन्स फॉर यू जो लोन ऐप है ना उसका यहाँ पे नाम आ रहा है, मतलब कि इसकी जो एनबीएफसी टाटा कैपिटल है वो एकदम सही है, ये ऐप एकदम रियल है, आपको ये लग रहा होगा ना। अब सुनो सच्चाई दोस्तों, इन लोगों ने क्या किया है, ये जो लोन ऐप वाले फर्जी लोन ऐप वाले, इनका दिमाग देखिए, इन्होंने एक ऐप तैयार करी लोन्स फॉर यू के नाम से करी, और इन्होंने क्या करा कि उससे पहले टाटा कैपिटल को पूरा सर्च कर लिया, टाटा कैपिटल को वेबसाइट को सर्च कर लिया, इन्होंने देखा कि टाटा कैपिटल के साथ कौन कौन सी ऐप काम कर रही है, इन्होंने ये देखा, उनको ये नाम थोड़ा हटके लगा लोन्स फॉर यू करके, इन्होंने इसी के नाम से एक ऐप को लॉन्च कर दिया। ये देखिए ये ऐप को लॉन्च कर दिया लोन्स फॉर यू करके, और ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने डाल दिया कि जो उसकी एनबीएफसी वो टाटा कैपिटल है, मतलब कि जब आप इस पर क्लिक करोगे तो जब आप यहाँ पे आओगे तो देखोगे अरे हाँ यार यहाँ पे तो लोन्स फॉर यू का नाम दिया हुआ है, बस आप ये विश्वास कर लोगे यार ये जो एप्लीकेशन है एकदम ट्रस्टेबल है, प्ले स्टोर मौजूद भी है, और खुद के डोमेन से मेल आईडी भी है, सब कुछ ओके ओके दिखेगा, और इसकी एनबीएफसी टाटा कैपिटल है, और टाटा कैपिटल की वेबसाइट पे ऐप का नाम भी आ रहा है लोन्स फॉर यू करके। लेकिन मैं बता दूं उन्होंने सिर्फ नाम का यूज किया है, नाम भले यूज कर लिया है लेकिन वो ओरिजिनल ऐप नहीं है जो लोन्स फॉर यू की होनी चाहिए, समझ में आ रही है, क्योंकि बहुत से लोग इसी चीज में धोखा खा जाएंगे, अरे टाटा कैपिटल की वेबसाइट अरे इस पे क्लिक करेंगे अरे लोन्स फॉर यू का यहाँ पे नाम दिया हुआ, अरे इसका मतलब ये रियल है, खड़ाक से अप्लाई कर देंगे। जब अप्लाई कर देंगे तो मालूम पड़ेगा क्या कि भैया 7 दिन का लोन मिल रहा है, वो भी 2,500 का 3,000 का, टाटा कैपिटल का कुछ भी इसमें मतलब नहीं है, टाटा कैपिटल से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो इन लोगों ने फर्जी लोन वालों ने क्या किया है कि आप लोगों को चूतिया बनाने के लिए पूरा पूरा दिमाग लगाया है, और क्या करा है कि यहाँ पे टाटा कैपिटल के नाम का यूज किया, एनबीएफसी का नाम लिख दिया टाटा कैपिटल, और जब आप चेक भी करोगे तो आपको चेक भी हो जाएगा, आपको रियली लगेगा वाकई में यार लोन फॉर यू ऐप का नाम दिया हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। अब कैसे मैंने पता किया, तो सबसे पहले तो इसकी वेबसाइट को चेक करते हैं, अगर ये रियल ऐप है तो इसकी कोई ना कोई वेबसाइट तो होनी चाहिए ना लोन फॉर यू वालों की। चलिए हम एक बार वेबसाइट चेक करते हैं। तो जब मैंने गूगल पे सर्च किया लोन फॉर यू लोन ऐप, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मुझे यहाँ पे देखिए ये जो लिंक आ रहा है ना, ये फर्जी ऐप का लिंक आ रहा है लोन फॉर यू का। मैं वेबसाइट की बात करूंगा तो ये है ओरिजिनल वेबसाइट जिसकी बात कर रहा हूँ, वेबसाइट है जरूर। आप सोचो कि अरे यार भैया बहुत से लोग तो इसमें कंफ्यूजन खा जाएंगे यार कि जो ये लोन फॉर यू है ना, चलिए इसकी वेबसाइट को भी सर्च कर लेते हैं। टाटा कैपिटल को तो यहाँ पे नाम दिया ही है कि उसकी एनबीएफसी टाटा कैपिटल, यकीन हो जाएगा क्योंकि टाटा कैपिटल की वेबसाइट पे जाओगे वहां पे लोन ऐप का नाम दिया होगा। आप अगर इसकी वेबसाइट को सर्च करोगे तो वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी, लेकिन भाई लोगो तो चेक कर लो, जो ये ओरिजिनल ऐप का लोगो है और जो फर्जी ऐप का लोगो वो तो मैच कर लो कम से कम, नाम लिखने से थोड़ी ना कुछ आता है यार मेरे। मैं अगर अम्बानी बोले लोगों अपने आपको तो अम्बानी थोड़ी जाऊंगा ना, मैं अमीर हो जाऊंगा, अम्बानी कितना ही मुझसे कह लो। तो इसी तरह देखिए यहाँ पे देखिए ये ओरिजिनल वेबसाइट है, यहाँ पे देखिए लोन फॉर यू, देखिए यहाँ पे इसका लोगो देखिए, यहाँ पे देखिए ये ओरिजिनल लोगो वगैरह है इसका, ठीक है, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, ठीक है ना। तो ये फर्जी ऐप की वेबसाइट नहीं है, ये ओरिजिनल वेबसाइट है। लेकिन बहुत से लोग सोचेंगे क्या क्या जो आपने प्ले स्टोर पे ये ऐप देखी है ना, ये इसी की वेबसाइट है, ये ओरिजिनल, अब ये देख लोगे, जबकि ऐसा नहीं है। मैं क्लियर कर दे रहा हूं, अभी क्लियर करूंगा कि कैसे ये फर्जी है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल वेबसाइट है लोन फॉर यू की, अगर लोन लेना है तो ओरिजिनल वाले से आप ले सकते हैं, वो भी वेबसाइट पे आगे, इसके मेरे ख्याल से ऐप नहीं है प्ले स्टोर पे, ठीक है ना। तो बहुत से लोग देखेंगे अरे यार लोन फॉर यू, भाई आप चेक कर लो इसका लोगो कैसे बन के आ रहा है। यहाँ पे देखिए चार किस तरह से लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये चार किस तरह से लिखा हुआ है, ये चार लिखा हुआ है इसका लोगो है, और यहाँ पे देखिए ये लोन फॉर यू है ना, इसका लोगो क्या है, लोन फॉर यू, देखिए गूगल पे स्टोर मौजूद है ना, इसका क्या लोगो है, देखिए यहाँ पे रुपए का निशान बना हुआ है, ये देखिए क्या निशान बना हुआ है। तो लोगो में डिफरेंस है, ये क्लियर हो गया, यहाँ पे पूरी आंखों का धोखा है पूरा है। आप जिस जिस चीज को चेक करोगे कि मैं लोन ऐप को चेक कर लूं वेबसाइट है नहीं है, आपको वेबसाइट ही मिल जाएगी, देखिए आपको वेबसाइट यहाँ पे मिल जाएगी यार, लोन फॉर की वेबसाइट भी है, अरे प्ले स्टोर मौजूद भी है, अरे टाटा कैपिटल की एनबीएफसी है, भाई चकड़ा जाओगे, ऐसी ऐप के चक्कर मत पड़ जाना। अब मैं आपको और सच्चाई खोलता हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, आपको लगेगा कि ये फर्जी लोन ऐप जो दिखा रहा है ना कि हाँ एकदम रियल वेबसाइट है इसकी, आपको ये लगेगा, जबकि ये वेबसाइट है जरूर, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, ये फर्जी लोन ऐप है, ये इसकी वेबसाइट नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना।
तो वेबसाइट है जरूर लेकिन वो रियल वेबसाइट है। और आप सोचोगे यहाँ पे जो ये ऐप दी हुई ना लोन फॉर यू, इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है, इसकी ओरिजिनल एनबीएफसी है, आपको देखने में आंखों का धोखा लग रहा है, सब कुछ रियल लग रहा है, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ असली। जब ऐप को मैंने ओपन किया भाई, यकीन बता रहा हूं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे डायरेक्टली इस तरह का इंटरफेस आया। यहाँ पे देखिए कि 1500 रुपए का आपको लोन मिल जाएगा, मिनिमम 0 रुपए, मैक्सिमम 1500 रुपए का लोन मिल जाएगा। अपने नाउ पे क्लिक करना है, अपने नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ पे मेरी ऑलरेडी डिटेल्स मेरी पहले से यहाँ पे फिलअप है। जैसे कि मैंने बोला, अगर आपने एक बार भी आधार कार्ड पैन कार्ड लगा के फर्जी लोन ऐप से लोन लिया है धोखे से अनजाने में, मतलब आपका रियल डेटा एक बार उनके पास चला गया है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे यहाँ पे ऐप को इंस्टॉल करोगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा कि यहाँ पे ऐसे टिक मारो, अपने नाउ पे क्लिक कर दो, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो अकाउंट नंबर है पहले से यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने कुछ भी आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं लगाया, अगर मैं लगाता तो आपको दिखाता नहीं, तो क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे जो है लोन ले चुका हूँ आधार कार्ड पैन कार्ड लगा के फर्जी लोन ऐप से, तो मेरा डेटा भी इनके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो ये चीज आपके साथ भी हो सकती है, पहली बात तो पूरी तरह से चूतिया बना रहे हैं, और आपको बिना आधार बिना पैन के लोन कैसे मिलेगा ये मैंने आपको दिखा दिया। इस तरह से आप भी अप्लाई करोगे ना, आपको भी टाटा की तरफ से, टाटा कैपिटल की तरफ से बिना आधार बिना पैन के लोन मिलेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी कोई ना कोई डेटा इनके पास पहले से ही अगर होगा तो आपको दोबारा डेटा देने की जरूरत नहीं है। जैसे कॉन्टैक्ट आधार कार्ड पैन कार्ड, मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड कॉन्टैक्ट फर्जी वाली कॉन्टैक्ट पहले से ही इनके पास मौजूद है, इसलिए मुझे ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, भले मिले ना मिले मैं उसकी गारंटी नहीं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे कुछ आधार कार्ड पैन कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने बोला नो केवाईसी पे लोन। उम्मीद है परिवार समझ होगा, तो क्या समझे कि यहाँ पे टाटा कैपिटल का नाम यूज किया, वेबसाइट भी है, तो उन्होंने पूरी पूरी रचना रची, प्लानिंग करी कि ऐसी लोन ऐप का नाम लो, अगर कोई उसको सर्च भी करे तो उसको सामने वाले को ये लगे कि हाँ यार ये एकदम ओरिजिनल वेबसाइट है, ओरिजिनल ऐप है, और उसकी एनबीएफसी भी ओरिजिनल है, सब कुछ प्लान के साथ काम किया। टाटा कैपिटल की वेबसाइट भी गए, वहां पे ऐसी कंपनी को पकड़ा, उसके नाम से जो एक ऐप तैयार कर ली, वेबसाइट तो पहले ही मौजूद थी लोन फॉर यू के नाम पे, क्योंकि वो तो ओरिजिनल ऐप है ना, ओरिजिनल ऐप की तो वेबसाइट होगी होगी, तो जब कोई सर्च करेगा टाटा कैपिटल पे आकर लोन फॉर यू का नाम निकल जाएगा, वो सोचेगा टाटा कैपिटल के साथ ये कंपनी काम कर रही है, तो एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब वो वेबसाइट चेक करेगा तो वेबसाइट भी उसको दिख जाएगी यार, तो यकीन कर लेगा। सच्चाई तो ये निकल के आ रही है कि यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड कोई और इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मांगी, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या है ना, क्योंकि ये फर्जी ऐप है, ऑलरेडी मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड या अगर आप भी अप्लाई करोगे तो आपका, अगर आपने कभी भी फर्जी ऐप से लोन लिया होगा तो आपका कोई ना कोई डेटा पहले से उनके साथ मौजूद होगा, आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत से लोगों के संग ऐसा होता है, जो लोग लेते रहते हैं ना तो उनको बार बार आधार कार्ड पैन कार्ड या कॉन्टैक्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो जैसे ही इंस्टॉल करेंगे खटाक से अप्लाई नाउ को क्लिक करने का ऑप्शन आएगा, अप्लाई नाउ पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे मुझे लोन मिले ना मिले मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए योर लोन एप्लीकेशन हैज बीन सेंड, और 24 घंटे में आपको जो है आपको रिवर्ट करा जाएगा, लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, योर ऑर्डर इज अंडर, भी मुझे मालूम है कि नहीं मिलेगा, और मिल भी गया तो 7 दिन के लिए दिया जाएगा। यहाँ पे अभी दिखा भी रहते हैं कि 7 दिन के लिए, यहाँ पे प्राइवेसी एग्रीमेंट दिखा रहा है कुछ, ये कोई एग्रीमेंट वगैरह है, तो भैया इस तरह से कोई भी नहीं, इंटरफेस अंदर खुल के दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी भैया ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रियल ऐप है। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप न्यू यूजर हो, अगर पहली बार इस लोन ऐप पे अप्लाई करोगे, अगर मान लो आपको आधार कार्ड पैन कार्ड लगाने को बोला जाए, तो ध्यान रखना इसमें आधार कार्ड को ये वेरीफाई नहीं करेंगे, ओटीपी के माध्यम से आधार कार्ड पैन कार्ड का फोटो मांगेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आधार कार्ड को वेरीफाई कर रहा है ओटीपी के माध्यम से, समझ लेना कि रियल ऐप है, अगर नहीं कर रहा है समझ लेना फेक ऐप है। और मुझे पता है कि इसमें केवल आधार कार्ड पैन कार्ड का फोटो ही मांगेंगे, आपको यहाँ पे जो है ओटीपी के माध्यम से आपके आधार को वेरीफाई नहीं करेंगे, इससे क्लियर होता है कि भैया ये फर्जी ऐप है अगर ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई ना करे। इतना सबूत बहुत है भाई, मैंने बता दिया, तो ये वीडियो लंबा जरूर हो गया लेकिन क्लियर करना जरूरी था, क्योंकि टाटा कैपिटल के नाम से बहुत से लोग जाएंगे, प्ले स्टोर के नाम से बहुत से लोग जाएंगे और डाउनलोड करेंगे, और वेबसाइट भी इसकी ओरिजिनल है, सब कुछ इन्होंने ऐसा ओरिजिनल बना रखा है कि आप ये कह नहीं सकते कि ये फर्जी ऐप है, एकदम रियल ऐप है, आपको ऐसा लगेगा। तो मैं बता दूं कि इस लोन ऐप से लोन नहीं लेना है, उम्मीद आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। इसको मैं खत्म करता हूं, मैंने हर एक चीज क्लियर कर दी है, यहाँ पे केवाईसी क्यों नहीं करनी ये भी आपको मैंने समझा दिया होगा। तो आपको यहाँ से लोन ही लेना, अगर लेना है तो फर्जी कॉन्टैक्ट फर्जी मिलाटी बना के इसको लूटने के मकसद से ले सकते, क्योंकि ये फर्जी ऐप है, टाटा कैपिटल का इससे कोई मतलब नहीं है, टाटा कैपिटल का नाम यूज किया गया है ताकि उस पर आगे बन करके विश्वास कर सको। अगर आपको लोन लेना ही है तो आप ओरिजिनल लोन ऐप से लोन लीजिए ना, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। टू बैलेंस है 15,000 का, ना भी से आप 24 से 25,000 का लोन 8 से 9 महीने के लिए ले सकते हैं ओरिजिनल ऐप से, दोनों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिए हुए हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड लगाओ लोन मिल जाएगा, ठीक है। इन फर्जी ऐप के चक्कर में मत पड़ो, सब कुछ आंखों का धोखा है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसी के साथ चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।